नीट 2021 का एग्ज़ाम हो जाने के बाद जब काउंसलिंग का टाइम आएगा, रिजल्ट जब आएगा, उसके बाद कितना मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड होगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू MBBS में एडमिशन के लिए ऑल ओवर इंडिया में किसी एक कॉलेज में जनरल OBC SC ST और PWD, यानी कैटेगरी वाइज आपको मिनिमम कितना स्कोर करना ही पड़ेगा 2021 में ताकि आपका एडमिशन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी न किसी कॉलेज में हो जाए 2021 में। इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, नीट 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए। कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे 2019 में 2020 में क्या ट्रेंड एनालिसिस था, मिनिमम क्या कट ऑफ गया था, और उसके बेसिस पर 2021 में नीट के एग्ज़ाम में क्या कट ऑफ रहने वाला है, एक क्वालिफाइंग मार्क्स वो कितना रहने वाला है, और मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर MBBS इन डिफरेंट कैटेगरी वो कितना रहने वाला है 2021 में, एक करेक्ट एनालिसिस जैसे कि कट ऑफ बताती है मिडकमिंग की टीम, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताएंगे, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन 2021 में मिनिमम कितना मार्क्स आपको चाहिए विद प्रूफ विद करेक्ट एनालिसिस के साथ। यू प्लीज स्टे ट्यून विद मिडकमिंग। अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2021 को लेके वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि 2021 में नीट के एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आएगा और काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उस समय किस रैंक पर और किस मार्क्स पर कॉलेज आप लोगों को मिलेगा डिफरेंट कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया कोटा के, राइट। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे, यानी वो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कि जिसमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 15% का एडमिशन होता है। इस डिटेल एनालिसिस में एम्स इंक्लूडेड नहीं है, जिपमर इंक्लूडेड नहीं है, राइट, और बाकी के जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं। 15% काउंसलिंग में जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं ऑल ओवर इंडिया के, वो सारे कॉलेजेस इसमें इंक्लूडेड हैं। और इसमें हम लास्ट रैंक और लास्ट जो मार्क रिक्वायर्ड होगा 2021 में कितना रिक्वायर्ड होगा और जो एनालिसिस होगी हम आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर करेंगे डिटेल कि जो ये कट ऑफ है ये एग्जैक्ट कैसे होने वाला है, राइट। यानी ये जो मिडकमिंग के एनालिसिस आप लोगों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं इस वक्त, जो कट ऑफ निकल के आएगा, राइट, उससे जो एनालिसिस होगी उसको हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मार्क्स है ये कितना एग्जैक्ट होगा, 100% एक्यूरेट होगा। एक दो नंबर की बात अलग है लेकिन मार्क्स यही रहने वाला है। और वो कैसे निकल के आया है, एक जो राइट मेथड है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस कंप्लीट वीडियो में, करेक्ट। सो अभी आप जो देख रहे हैं ये अलॉटेड लास्ट रैंक है 2020 के राउंड वन की काउंसलिंग की, ओके। और ये डिफरेंट कैटेगरीज वाइज है, इसमें जितने भी कैटेगरीज ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करते हैं, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, EWS, PWD, जनरल, PWD, OBC, SC, ST, PWD, जितने भी कैटेगरीज हैं जिनको लास्ट अलॉटेड हुआ है, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, किस रैंक पर अलॉट हुआ, MBBS कोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, और नीट के मार्क्स कितने थे, ये अभी आपके सामने है, करेक्ट। ये राउंड वन का है, यानी राउंड वन पे जो लास्ट एडमिशन हुआ था EWS का ये हुआ था 619 पे, जनरल का हुआ था 618 पे, OBC का हुआ था 618 पे। रैंक यहाँ पर मेंशन है, ये ऑल इंडिया रैंक है, 12325, 12348, 12353, राइट, ये राउंड वन की है 2020 की, ओके। और ये PWD के मार्क्स यहाँ पर मेंशन है, करेक्ट। यानी 2021 में अगर राउंड वन में कॉलेज चाहिए इसका मतलब है कि 2020 के हिसाब से 619 होना चाहिए EWS का, जनरल का 618 होना चाहिए, राइट। लेकिन अब ये मार्क्स थोड़ा सा डाउन होगा, डाउन कैसे होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 2019 में रैंक क्या था और 2020 में रैंक क्या था, इसमें काफ़ी डिफरेंस आया। 2019 में ये जो 12,000 रैंक आपको दिख रही है जनरल, OBC और EWS PWD की, ये थी 10,000 के आसपास, राइट। 2019 में और 20 में राउंड टू की काउंसलिंग में कितना था, क्योंकि हम लोग राउंड टू के लास्ट राउंड तक जो कि 15% ऑल इंडिया कोटा का होता है उसके सेकेंड राउंड में, लास्ट राउंड में लास्ट मार्क्स और रैंक क्या रिक्वायर्ड होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये फाइल आप लोगों के दिखाने के लिए था कि 2020 में जो लास्ट अलॉटेड था राउंड वन की काउंसलिंग में वो डिफरेंट कैटेगरी के लिए कितना कितना था, करेक्ट। ये लास्ट अलॉटेड है और लास्ट अलॉटेड कॉलेजेस के नाम यहाँ पे हैं,
रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल, जोराम मेडिकल कॉलेज फलकौन, राइट। एससी के लिए था राजा मुथैया, राइट। एसटी के लिए पुरुलिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ये वेस्ट बंगाल में है। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी का लास्ट एडमिशन हुआ था ईएसआई मेडिकल कॉलेज बैंगलोर में। सिलचर में हुआ था ओबीसी पीडब्ल्यूडी का आईआरटी मेडिकल कॉलेज पेरुंदुराई, जनरल पीडब्ल्यूडी का हुआ था। जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा में एससी पीडब्ल्यूडी का हुआ था, राइट। सो ये तिरुपति में एसटी पीडब्ल्यूडी का, ये राउंड वन के लास्ट अलॉटेड कॉलेजेस हैं डिफरेंट कैटेगरी वाइज, राइट, यहाँ पर मेंशन है। अभी हम राउंड टू की बात करेंगे। राउंड टू में जो कि सेकेंड राउंड था, और वहाँ पर ये लिस्ट अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर रैंक मेंशन है, अलॉटेड कोटा, इंस्टीट्यूट का नाम है, कोर्स, और ये अलॉटेड कैटेगरी है कैंडिडेट की कैटेगरी। कैंडिडेट कैटेगरी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर नीट का मार्क्स मेंशन है, करेक्ट। सो ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए ये रैंक गया 15,000, ओबीसी के लिए गया 15,000, जनरल के लिए गया 15,038, राइट, एससी के लिए 81,000। अब एक चीज़ समझिए कि 2000 राउंड वन जो था, राउंड वन में कहाँ 12,000 और 69,000 था, तो राउंड टू में क्या हुआ, ये 15,000, यानी जनरल ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस के केस में ये 3,000 डाउन हुआ, करेक्ट। एससी के केस में ये जहाँ 69,000 था, सेकेंड राउंड में क्या हुआ 81,000, मतलब करीब 11,000 के आसपास ये डाउन हुआ। एसटी के केस में भी सेम 96,000 रैंक, ऑल इंडिया रैंक ये राउंड टू में 2020 में, और राउंड वन में एसटी के लिए थे या था 93,000, ओके, 93,000 से 96,000, यानी 4,000 यहाँ पर 3,000 से 4,000 ये डाउन गया, करेक्ट। सो यहाँ पर मार्क्स भी डाउन गया। अब देखिए राउंड टू में 2019, यहाँ पर आप एक कॉलम देख रहे हैं, ये है राउंड टू ऑल इंडिया रैंक 2019, यानी 2019 में राउंड टू में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें जो लास्ट अलॉटेड कॉलेजेस थे, राइट, और लास्ट अलॉटेड जो रैंक था, यहाँ पर रैंक मेंशन है राउंड टू का ऑल इंडिया रैंकिंग, यहाँ पे है 87,000 एसटी के लिए, और जबकि 2020 में क्या हुआ, ये 96,000 गया। एससी में 73,000 था, 81,000 हुआ है 2020 में। जनरल में ये 12,618, 12,616, ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 12,549 था, लेकिन राउंड टू में 2020 में ये गया है 15,000, यानी 3,000 डाउन हुआ राउंड टू 2019 से राउंड टू 2020 में, ओके। अच्छा, ये डाउन क्यों हुआ? डाउन इसलिए हुआ क्योंकि सीट इंक्रीज हुई थी, करेक्ट। अब सीट इंक्रीज जब हुई है तो उस केस में जब 2021 में जाहिर सी बात है सीट इंक्रीज होगी, राइट, 2020 में एम्स और जिपमर आ गए, जिसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 2,100 के आसपास सीट अचानक से इंक्रीज हो गई, राइट। लेकिन 2021 में क्या होगा, ये सारे कॉलेजेस, क्योंकि अब नए कॉलेजेस में कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट तो आने वाला है नहीं, क्योंकि एम्स भी आ गया, जिपमर भी आ गया, लेकिन जो एग्जिस्टेड कॉलेज हैं इनमें और कुछ नए कॉलेजेस ऐड होंगे, राइट, गवर्नमेंट के, तो उस केस में क्या होगा, सीट इंक्रीज होगी। सीट इंक्रीज होगी तो ये 100% रैंक डाउन जाएगा 2021 में, और रैंक अगर डाउन जाता है, राइट, तो यहाँ पर मार्क भी डाउन जाएगा। और अगर 2019 और 2020 के एनालिसिस से हम देखें, जहाँ पर 2020 में 15,000 था, तो 2019 में ये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये 12,000 था, 2020 में 15,000 हुआ, एक्सपेक्टेड है 2021 में कि ये करीब करीब 17,000 के पास ऑल इंडिया राउंड सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा में 17,000 के आसपास क्लोज हो सकता है। और 17,000 के आसपास अगर क्लोज होगा तो मार्क्स रिक्वायर्ड होगा 606 या 605 एज पर 2020, यानी 2020 के बराबर अगर नीट टॉपर्स के मार्क्स आते हैं, यानी 2021 में भी अगर टॉपर्स के मार्क्स 720 आते हैं इस केस में, यानी जो रिजल्ट 2020 में था सेम अगर वैसा ही रहा, देन इस केस में ये मार्क्स डाउन होके आएगा 605-606 के आसपास जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी और एसटी के लिए यह रहने वाला है, एससी के लिए 495 से 496, एसटी के लिए 485 से 490 के बीच में मार्क्स रहने वाला है 2021 में, अगर 720 टॉपर्स के आते हैं तो। लेकिन अगर सपोज नहीं आते, मान लीजिए अगर टॉपर्स के मार्क्स 720 नहीं आते, डाउन होते हैं, अगर डाउन होता है तो जाहिर सी बात है ये मार्क डाउन होगा। और उस केस में क्या होगा कि अगर 10 नंबर कमाते हैं, यानी 710 टॉपर्स के आते हैं, राइट, तो ये मार्क्स कम से कम 15 से 20 नंबर डाउन जाएगा। और 15 से 20 नंबर डाउन जाने का मतलब है कि 580-586 इसके आसपास अगर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में रैंक होगा, मार्क्स होंगे, डेफिनेटली एडमिशन हो जाएगा, राइट। और रैंक ये डाउन होके जाने वाला है
करीब करीब 17,000, क्योंकि 2019 में 12,000 था, 2020 में 15,000, तो जाहिर सी बात है कि 2021 में 16,500 से या 17,000 के आसपास लास्ट रैंक होने वाला है ऑल इंडिया की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, करेक्ट। जो पीडब्ल्यूडी का सेक्शन है, पीडब्ल्यूडी के सेक्शन में गाइस एनालिसिस नहीं की गई है क्योंकि मार्क्स बहुत कम रिक्वायर्ड होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2000 ये 20 के मार्क्स हैं, 113, 126, 175, 175, 201 EWS PWD के लिए, तो 200 प्लस अगर स्कोर आप करते हैं तो बहुत सेफ है PWD के कैटेगरीज के लिए, चाहे वो जनरल को OBC का हो। अगर 200 आ गए इसका मतलब कि आपका एडमिशन 100% हो ही जाएगा मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए, किसी न किसी कॉलेज में हो जाएगा, करेक्ट। सो ये कॉलेजेस हैं, लास्ट है, राइट। एम्स को इसमें नहीं इंक्लूड किया गया, एम्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो, मिनिमम कितने रैंक और मिनिमम कितना मार्क चाहिए 2021 में उसके ऊपर हम लोग बहुत ही जल्दी बनाएंगे। इसके अलावा जो स्टेट वाइज कट ऑफ होगा, यानी यूपी में मिनिमम कितना मार्क रिक्वायर्ड होगा, महाराष्ट्र में मिनिमम कितना रिक्वायर्ड होगा, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, केरला, आंध्रा, तमिलनाडु, राइट, इन सब जगह पे, कर्नाटका में कितना मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होगा, जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, इन सब में मिनिमम कितना नंबर रिक्वायर्ड होगा MBBS में एडमिशन के लिए, राइट, स्टेट की काउंसलिंग में, उसके बारे में बहुत ही जल्द गाइस वन बाय वन वीडियोस हम लोग अपडेट करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए मिडकविंग का ऐप, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के साथ साथ बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हैं, आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। आज ही डाउनलोड कीजिए मिडकविंग का ऐप एक्सक्लूसिवली फॉर नीट 2021, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। सो गाइज, हाउ वाज दिस वीडियो? इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू शेयर दिस कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू नेवर मिस एन इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग नीट 2021। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिडकविंग, थैंक्स अ लॉट।